हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने आए हैं न्यू जॉब डिटेल लेकर कि हेडक्वार्टर गोवा नेवल एरिया ने निकाली है आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि आपके वेरियस पोस्ट के लिए है, जिसमें आपके फायरमैन, कुक, एमटीएस, ट्रेड्समैन, बुकमेकर, टेलीफोन ऑपरेटर या और अन्य पद भी हैं जिनके लिए वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। तो टोटल भर्ती जो है ये आपके 121 पोस्ट के लिए है और आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी फुल डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2018 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहां पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वैकेंसी का जनरल एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत। तो आप यहां पर उसकी फुल डिटेल देख सकते हैं, सीट वाइज आपकी क्या डिटेल यहां पर रहने वाली है। इनकी क्वालिफिकेशन और एज की बात कर लेते हैं। तो टेलीफोन ऑपरेटर के लिए जो है आपके 18 से 25 साल उम्र रखी गई है, फायरमैन के लिए भी 18 से 25 साल आपकी उम्र रखी गई है, 10th पास होना आपका अनिवार्य है और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है टेलीफोन ऑपरेटर के लिए वो आपकी 10वीं में होनी चाहिए, जो कि होती ही है। फायरमैन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी आपका 10th पास होना अनिवार्य है, उसके साथ जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी आपको यहां पर मेंशन कर रखा है और एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में भी यहां पर आपको बता रखा है कि आपका जो एंड्योरेंस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो क्या होने वाला है। कुक के लिए बात करते हैं, तो 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर वैकेंसी है आपकी माली की, लेस्कार की, वार्ड सहायिका की, एमटीएस के लिए। तो यहां पर भी क्या है, आपका 10वीं पास ही वैकेंसी रखी गई है और जो है आपका संबंधित फील्ड में आपके पास जो है नॉलेज इसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी बहुत सी और वैकेंसीज हैं जो कि आइस फिटर क्रेन की है। उसके अलावा जो वैकेंसी है आपकी ट्रेड्समैन की है, जिसमें आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या जुड़ता है, आईटीआई सर्टिफिकेट का, जो कि आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद है आपका बुक मेकर का, तो इसमें आपके पास 10th पास होना अनिवार्य है और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड्समैन की, जो 10वीं और आईटीआई आपकी यहां पर भी मांगी गई है। ये जो डिटेल आप साइड में देख रहे हैं, ये है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन की, आपको जो वर्क है वो क्या करना है संबंधित क्षेत्र में, संबंधित फील्ड में। तो आप फ्रेंड्स अपनी वैकेंसी, अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से अपना फील्ड तय कीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए कि आपको जो है वर्क क्या करना है, आपकी उम्र जो आती है कि नहीं आती है। जो मैक्सिमम उम्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम जो उम्र है उसमें आपको छूट मिलती है एससी एसटी ओबीडी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, ये स्पोर्ट्स पर्सन को। तो यदि आप इनमें से कोई एक कैंडिडेट है तो आपको जो छूट मिलनी चाहिए वो इसमें आपको मिलेगी। जनरल कैटेगरी की 18 से 25 साल ही उम्र मेनली रखी गई है। उसके बाद बात और एक चीज कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो आप जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उन एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर या कोई भी एग्जाम इसमें दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन को, उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपके जो है 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस इन ट्रेड या फील्ड, जो रिलेवेंट फील्ड में आप जो भरेंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो यहां पर वो आपकी जो सिलेबस है वो पूरे एग्जाम वाइज वो यहां पर आपको दे रखा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो बाद में आपको वेन्यू बता दिया जाएगा, तो आप लगातार इसकी वेबसाइट जो है उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, जाते रहिए। उसके बाद है स्किल प्रैक्टिस टेस्ट, ये तो फ्रेंड होना ही है, ये होता भी है क्योंकि जाता है ट्रेड की भर्ती है, तो इसमें जो आपकी स्किल है जिस फील्ड में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे जो है प्रैक्टिकल या वर्क या स्किल टेस्ट जो है आपसे कराया जाएगा। उसके बाद ही आपको जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी जॉब जो है लग जाएगी। लास्ट डेट में आपको बता चुका हूं, वैसे देखा जाए तो 30 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 तारीख तक ही समथिंग आपका फॉर्म जो है चलेंगे, तो आप तब तक इस फॉर्म को फिल कर ले, लास्ट डेट का वेट ना करें। आपको जो इसका ऑनलाइन लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।